तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में नेक्स्ट यूनिट यानी आवेश का प्रवाह। और यहीं से शुरू होता है विद्युत चालन नाम के चैप्टर का। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। शुरू करते हैं आज हम दूसरी इकाई का पहला चैप्टर विद्युत चालन। ठीक है, विद्युत चालन या इसी को विद्युत धारा नाम से भी जाना जाता है। ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है और इसमें जो सबसे पहली हेडिंग है वो है विद्युत धारा। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इकाई स्थिर वैद्युत की, अब हम पढ़ेंगे गतिमान आवेश। ठीक है ना, यानी अब जो है आवेश चल रहा है, गति कर रहा है। आवेश के पास क्या है? गति है। गति का मतलब है वेग। आवेश के पास जब वेग होगा, यानी आवेश जब चलने लगेगा का मतलब हुआ यहाँ पर बैटरी वगैरह यूज होंगी। ठीक है, और अभी तो हम विद्युत धारा यहाँ पर पढ़ेंगे दो चीज़ें, पहला तो डीसी का पढ़ेंगे, फिर एसी का भी पढ़ेंगे अलग से। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आवेश के गतिमान होने की शुरुआत कर रहे हैं और गतिमान आवेश को ही यहाँ पर विद्युत धारा कहा गया, क्योंकि विद्युत का मतलब होता है आवेश और धारा का मतलब होता है प्रवाह। आवेश की प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं या इसी को कहते हैं गतिमान आवेश। अगर कोई आवेश चलने लगता है तो उसी का नाम विद्युत धारा हो जाता है। तो क्या होता है इसमें, मान लेंगे चालक। सबसे पहली चीज़ चालक क्या होती है, हम प्रायः देखते हैं कि धातुएं ही चालक होती हैं। ठीक है, धातुएं प्रायः चालक होती हैं। तो इसमें होता क्या है कि चालक के पास होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा जो है हमें ठोस में भी मिल सकती है, द्रव में भी मिल सकती है और गैस में भी मिल सकती है, लेकिन इसे प्रायः ठोस वस्तुओं जैसे धात्विक वस्तुएं जो धातु होती हैं, ठीक है, सोडियम वगैरह, पोटेशियम वगैरह, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, धातु होती हैं, उनमें ये प्रायः देखी जाती है, लोहा है। तो किसी चालक, चालक का मतलब ये हुआ, क्योंकि चालक इसलिए लिया गया क्योंकि चालक में ही आवेश का प्रवाह हो सकता है। आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है तो वो है चालक, अचालक में आवेश चल नहीं सकता है। होता क्यों है ये चीज़ अभी हम पढ़ेंगे। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मान लिया कोई हमने एक चालक है, चालक तार है जो कि बेलनाकार होता है, इधर वृत्ताकार, बीच में बेलनाकार होता है, तो ये क्या होते हैं, चालक। ठीक है, चालक होते हैं। इसी में हमको क्या कराना, आवेश के प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह को ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। लेकिन यहाँ दर इसलिए लिया गया है क्योंकि विद्युत धारा टाइम से ली जाएगी, यानी कितना मतलब आवेश एक समय पर जा रहा है इसकी कंपेयरिंग करानी पड़ेगी। आवेश की मात्रा तभी बताएगा विद्युत धारा जब उसके लिए कम से कम दो राशियां हो, ये तुलना कराता है समय से। जैसे मान लिया हमने कोई t समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है किसी चालक में, क्यों आवेश, तो इसके एकांक समय में या एक सेकेंड में, एकांक समय यानी कि एक सेकेंड में कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, q/t। तो t समय में हो रहा है क्यों आवेश प्रवाहित, तो एक सेकेंड में होगा q/t, और एक सेकेंड में जो भी आवेश प्रवाहित होता उसी का नाम है विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बराबर क्या हो गया, q/t। तो इससे भी एक परिभाषा निकल सकती है कि चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा। अगर ऐसे नहीं लिख सकते तो दूसरी लिख सकते हैं, अथवा में ये भी कह सकते हैं गतिमान आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो चालक में एक सेकंड में, जिसे क्या कहते हैं, एकांक समय, में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है ना, तो यही चीज है। तो यहां से क्या मिल गई हमको, सूत्र मिल गया कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बराबर ऊपर कौन आया, आवेश, और नीचे आया समय। ठीक है,
अगर आवेश एक समान रूप से प्रवाहित हो रहा है तो सूत्र यही लगेगा, आई इक्वल्स टू क्यू अपान टी। लेकिन आवेश अगर परिवर्ती है, यानी कुछ समय में कम आवेश जा रहा है, कुछ समय में आवेश बढ़ा, फिर आवेश एकदम से कम हो गया, यानी आवेश क्या हो, परिवर्ती हो। यदि आवेश क्या हो, परिवर्ती हो, समय के साथ साथ बदल रहा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, औसत धारा का यूज करते हैं। कौन सी धारा? औसत धारा। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है। औसत के लिए ऊपर या तो बार लगाओ या तो इधर छोटा अंतराल या समीका बड़ी या समीका यहां पर, या फिर एवरेज लिख दो। ये बराबर क्या होता है, मान लिया हमने डेल्टा टी समय अंतराल में, समय अंतराल कितना है, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी समय अंतराल में हमने मान लिया जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो कितना है, क्यों, तो डेल्टा टी समय अंतराल में प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी है, डेल्टा क्यों है। तो ये हो जाएगा, ऊपर रहता है आवेश तो डेल्टा क्यों, नीचे क्या रहता है, समय, तो डेल्टा टी। ठीक है, ये आवेश का अंतर है, परिवर्ती है ना। या फिर ऊपर रख दो कुल आवेश, ऊपर रख दो कुल आवेश और नीचे रख दो लगा समय, आवेश कुल आवेश प्रवाह में लगा समय, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अगर जो अति सूक्ष्म समय की बात हो जाए, यहां से जब हम पढ़ेंगे तात्क्षणिक, तात्क्षणिक या तात्कालिक, मतलब अल्पांश समय में तात्कालिक धारा, तो ये धारा क्या होती है, तो अति सूक्ष्म समय में, समय यहां बहुत कम रहता है, समय की मात्रा क्या रहती, बहुत ही कम, अति सूक्ष्म समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा, प्रवाहित आवेश की मात्रा, यही क्या कहलाती है, तात्कालिक या तात्क्षणिक धारा। ठीक है, यहां पर समय बहुत ही कम लिया जाता है, तात्कालिक का मतलब होता है तत्काल यानी तुरंत। ठीक है, यहां पर जो समय होता है, समय का अंतर वो कितना होता है, लगभग लगभग जीरो, बहुत ही कम मतलब बहुत जीरो, तो इसलिए लिमिट का यूज करते हैं। तो विद्युत धारा निकालने के हम किसका यूज करते हैं, लिमिट। समय की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, डेल्टा टी का मान बहुत ही कम है यानी कि जीरो। अब ऊपर कौन रखा जाता है, आवेश, जब समय डेल्टा टी था तो आवेश क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू, और नीचे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। तो ये अति सूक्ष्म समय की धारा है, ये इसका लिमिट रूप है। अवकलन रूप होता तो फिर क्या हो जाता, ऊपर डी क्यू और नीचे हो जाता डी टी, ये अवकलन रूप हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं गतिमान आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, या चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा का सूत्र निकला, मान लिया हमने किसी चालक में टी समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो एक सेकेंड में प्रवाहित होगा क्यों अपान टी, यानी कि टी आ जाएगा नीचे, तो एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा, तो एकांक समय या एक सेकंड में प्रवाहित। अगर यहाँ से क्यों का मान परिवर्ती होगा, यानी कि चालक में हम समय का मान जो है धीरे धीरे बढ़ने पर आवेश भी बदल रहा हो, तो क्यों फिक्स ना हो, तो उसके लिए औसत धारा का यूज करते हैं। इसका यूज हम अल्टरनेटिंग करंट नाम के, यानी प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर नाम में हम यूज करेंगे। ठीक है, तो औसत धारा आई एवरेज होगी, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी। ठीक है ना, या कुल आवेश बटा कुल समय। तात्क्षणिक या तात्कालिक धारा क्या होती है, अति सूक्ष्म समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा जो है, कितना आवेश प्रवाहित हुआ बहुत ही कम समय में, तो बहुत ही कम समय का मतलब हुआ यहाँ पर समय जो है बहुत ही छोटा है, जीरो है, तो I इक्वल्स टू लिमिट हम यूज करेंगे। लिमिट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सीमा है कि जो टी है, डेल्टा टी है,
हम हमेशा एकदम फिक्स वैल्यू नहीं लेकर चलते हैं लिमिट में या अवकलन में, उसमें वैल्यू का अंतर लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो डेल्टा टी को लगभग हमने जीरो मान लिया, ऊपर आता है आवेश यानी डेल्टा क्यू और नीचे डेल्टा टी। डेल्टा टी के लिए आवेश कितना लिया गया था, डेल्टा क्यू। अब इसको ये हो गया इसका लिमिट रूप, यही चीज अवकलन रूप होता तो डीडीटी ऑफ क्यू हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां तक हो गया। अब नोट में हम कुछ चीजों को देखेंगे। सबसे पहला है प्रतीक क्या होता है, तो विद्युत धारा का प्रतीक होता है आई। दूसरा होता है मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होता है, ऊपर आवेश का मात्रक, ऊपर आवेश है यानी आवेश का मात्रक कूलाम, और नीचे क्या है समय, समय का मात्रक सेकेंड, कूलाम सेकेंड या इसी को कहा गया एम्पियर, ठीक है। एम्पियर में ए कैपिटल लेटर होता है क्योंकि ये नाम है। ये है एमकेएस पद्धति के लिए। एमकेएस पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगर बात की जाएगी सीजीएस पद्धति की, तो सीजीएस मात्रक इसका क्या होता है, स्टेट एम्पियर, इसे ईएसयू मात्रक भी कह सकते हैं, स्टेट एम्पियर, ठीक है ना। तीसरा है विनीय सूत्र, क्योंकि ये एक मूल राशि है तो इसके पास केवल और केवल बीमा होगी और विद्युत धारा की बीमा ए होती है। चौथा नंबर है राशि कौन सी है ये, तो यद्यपि इसके पास दिशा है क्योंकि ये बैटरी के धन टर्मिनल से घूमना शुरू करके ऋण टर्मिनल की ओर घूमती है, लेकिन फिर भी एक अदिश राशि है। अब दिशा है फिर भी अदिश राशि है क्योंकि ये सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती है, तो दिशा क्या होती है इसकी, तो बैटरी के पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे, निगेटिव सिरे की ओर रहती है, ठीक है। छठा इसका परिमाण क्या है, ये प्रायः धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक धारा का मतलब हुआ दिशा बदल गई है, दिशा क्या हो गई है अलग, ऋणात्मक धारा का मतलब उल्टी दिशा हो गई है, धनात्मक मतलब सीधी। और इसका मान कभी कभी हम जीरो देख लेते हैं बहुत ही निम्न स्थिति में, ऐसा लेकिन संभव नहीं है, अगर संभव है तो वो है अचालक के लिए। कहाँ पर होगा यह अभी हम आगे पढ़ेंगे कहाँ पर जीरो होगा। अब हमको पता है कि विद्युत धारा में दिशा तो है फिर भी ये राशि अदिश है, तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है, उसके बारे में भी देख लें। तो विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है, अब ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी राशि को सदिश राशि होने के लिए कम से कम तीन चीजें होनी चाहिए, पहला परिमाण, दूसरा दिशा, और जो तीसरी चीज है वो सदिशों का योग नियम है। तो हर चीज तो है, इसका परिमाण है, दिशा भी है, तो इसका परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन ये सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती क्योंकि यह सदिश योग नियम का पालन नहीं करती। तो सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती है, इसीलिए विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि। ऐसा होता क्या है, मान लिया हमने ये एक बिंदु है, इधर से आ रही है 2 एम्पियर की धारा, इधर से आ रही है 3 एम्पियर की धारा, तो इधर से कितने एम्पियर की धारा जाएगी, 5 एम्पियर की धारा, ठीक है।
दूसरा देख लेते हैं, इधर से आ रही है 2 एम्पियर, या इधर से मान लेंगे चलो आ रही है 5 एम्पियर, और इस ओर से विद्युत धारा आ रही है 3 एम्पियर। तो इधर से कितनी विद्युत धारा जाएगी, इधर से आ रही है 5, इधर से आ रही है 3, तो ऊपर से कितनी जाएगी 8 एम्पियर। यहां पर देखो सदिश योग नियम का पालन क्या होता है कि अगर दिशा विपरीत है तो मान क्या होता है, हमेशा घटता है। लेकिन यहाँ धारा इधर आ रही, इधर आ रही, फिर भी धारा क्या हो रही है, जुड़ रही है, बढ़ रही है। आई बात समझ में? और यहाँ पर देखो इधर से आ रही, इधर से आ रही, सीधी चली गई, यहाँ पर भी कोई दिशा नहीं लगी है, यानी कि आपस में डायरेक्ट जुड़ करके चली गई। बल के साथ ऐसा नहीं होता है। मान लेंगे एक वस्तु है, कोई एक लकड़ी का ये गुटका है, ठीक है, और इस ओर बल लग रहा है 20 न्यूटन का, और इस ओर बल लग रहा है, या अंदर की ओर चलिए लगा देते हैं, इस ओर से बल लग रहा है 20 न्यूटन का, इधर से भी बल लग रहा है 20 न्यूटन का, तो टोटल इसका नेट बल कितना आएगा, 0। ये तो है, इधर से भी दब रहा 20 न्यूटन से, इधर से भी दब रहा 20 न्यूटन से, तो ये स्थाई हो जाएगा, इस पर नेट बल कितना आ जाएगा, 0। तो ये 0 हुआ क्योंकि बल एक सदिश राशि है, ये सदिशों का योग नियम का पालन करता है, अलग अलग दिशा है तो घटता है, लेकिन इसमें देखो अलग अलग दिशा थी फिर भी ये जुड़ा। तो इसीलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती। ठीक है, तो आगे का देखते हैं कुछ टॉपिक। तो आगे का टॉपिक है विद्युत धारा का प्रकार। तो विद्युत धारा का प्रकार हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रवाह के आधार पर। तो प्रवाह के आधार पर विद्युत धाराएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट, और एक होती है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट डीसी और एसी। दिष्ट धारा और ये है प्रत्यावर्ती धारा। तो अभी जो हम धारा पढ़ रहे हैं, अभी जो भी हम धारा पढ़ रहे हैं वो दिष्ट धारा है। दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट, जैसे इसमें आती है बैटरी वगैरह, बैटरी आता है, सेल आता है, और पैनल जो हम देखे हैं सौर सेल पैनल वगैरह, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ये डीसी देता है। क्या देता है? डीसी। घर में जो प्रत्यावर्ती धारा यानी हमारे घर में जो है धारा आती है, बिजली आती है, वो प्रत्यावर्ती धारा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें धारा जो है समय के साथ साथ बदलती रहती है। धारा क्या होती है? परिवर्ती। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। समय जैसे जैसे बीतता है धारा का मान बदलता रहता है। इसमें धारा जो होती है वो अपरिवर्ती होती है। अपरिवर्ती मतलब ये फिक्स रहती है, परिवर्तित नहीं होती, परिवर्तित होगी ही नहीं, ठीक है ना। इसमें विद्युत धारा परिवर्तित नहीं होती है, उसका मान लगातार वही बना रहता है। इसमें विद्युत धारा परिवर्तित, हाँ, विद्युत धारा धीरे धीरे बैटरी वगैरह जैसे एनर्जी कम होती जाएंगी तब इसमें मान घटता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मान घटता बढ़ता है, घटता बढ़ता है, घटता बढ़ता है। प्रत्यावर्ती धारा ऐसे बनाया जाता है, इसका चित्र ऐसे होता है, यह है टाइम और यह है विद्युत धारा, ठीक है। तो ये लगातार क्या हो रहा है, देखो विद्युत धारा धीरे धीरे पहले बढ़ी फिर घटी, ये पॉजिटिव है सिरा, मतलब पहले एक बार विद्युत धारा आएगी फिर वापस जाएगी, माइनस, फिर वापस आएगी, फिर वापस जाएगी, फिर आएगी जाएगी, यानी ये सिरा लगा रहता है। विद्युत धारा ऐसे आती जाती रहती है, ऐसे एक ही तार में आती जाती रहती है, तभी तो दोनों तार में से चाहे जो तार यूज करो, क्योंकि दोनों तार लाने का भी काम करते हैं, ले जाने का भी काम करते हैं, दोनों तार। लेकिन बैटरी में ऐसा नहीं होता है, बैटरी में जो करंट लाता है वो वापस नहीं लेकर के जाता है, मतलब वो वापस नहीं लेकर के जाता, उसके लिए जो दूसरा तार होता है वो लेकर के जाता है,
प्लस माइनस उसमें रहता है, इसमें नहीं रहता कोई। इसका डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, ऐसे, ठीक है ना। तो पहले आधे चक्कर में धनात्मक, फिर आधे चक्कर में ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब ये नहीं ऋणात्मक धारा, दिशा बदल रही है। पहले जहां एक तार में विद्युत धारा आ रही थी, अब उसी तार में विद्युत धारा वापस जा रही है, ये चीज। तो एक तार में दो तार होते हैं, एक तार में आ रही होती तो दूसरे तार में जा रही होती, फिर इसमें जा रही होगी तो उसमें आ रही होगी, ऐसे करंट मिलता रहता है, ठीक है। तो हम इसमें होता क्या है, इसमें वोल्टेज जो होता है वो ज्यादा रहता है, वोल्टेज बहुत ज्यादा रहता है, और जो करंट होता है वो कम रहता है। किसकी अपेक्षा? डीसी की अपेक्षा। इसका डायग्राम कैसे बनता है? इसमें क्या होता है, ये है समय और ये है करंट की दिशा, इसमें लगातार विद्युत धारा वही बनी रहती, वही बनी रहती। यानी कि मान लिया यहाँ दो एम्पियर है, तो दो ही एम्पियर लगातार समय बीत रहा है, एक जीरो सेकंड पर भी वही है, एक सेकंड पर भी वही है, पांच सेकंड पर वही, दस सेकंड पर वही, एक घंटे पर वही। ऐसे नहीं बन रहा है तो ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इसमें विद्युत धारा क्या होती जाती है, कम होती जाती है, जैसे जैसे सेल या बैटरी की एनर्जी होती है कम। आई बात समझ में? ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, वोल्टेज कम रहता है। किसकी अपेक्षा? एसी की अपेक्षा। जैसे मोबाइल की बैटरी 3.7 वोल्ट वगैरह की रहती है, होती नहीं, लेकिन करंट क्या होता है, एसी की अपेक्षा अधिक होता है, ज्यादा होता है। तो डीसी में करंट ज्यादा रहता है, वोल्टेज कम है, फिर भी करंट का फ्लो ज्यादा आता है। एसी में ऐसा नहीं होता, इसमें वोल्टेज ज्यादा रहता है और करंट एक एम्पियर भी नहीं रहती। हमारे घर में जो लाइट वगैरह आती है, विद्युत धारा, उसमें एक एम्पियर भी नहीं होती। इसमें होता है 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर तक हो सकता है, ठीक है। इन दोनों की कंपेयरिंग कराई गई है, ठीक है। तो ये हुई प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो इसमें जो हम अभी तक पढ़ेंगे वो टोटल की टोटल प्रत्यावर्ती धारा ही पढ़ेंगे, हर जगह बैटरी या सेल का ही यूज करेंगे। और बैटरी या सेल का काम होता है धारा को घुमाना, धारा को घुमाना। हम ये भी जान लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कौन परिवर्तित करता है। जैसे हमारा मोबाइल का मोबाइल है, तो मोबाइल डीसी से चार्ज होता है, डायरेक्ट करंट से। लेकिन हम कौन से घर में लगाते हैं, जो हमारे घर में लाइट आती है उसमें ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, तो जिसमें ट्रांसफार्मर यूज होंगे वो होती है प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें नहीं यूज होते हैं वो होती है दिष्ट धारा, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो एनर्जी की हानि होगी, क्योंकि जितना बड़ा तार होगा उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जाएगी। उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें ऊर्जा की हानि कम हो जाती है ट्रांसफार्मर का यूज करें। तो एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है और डीसी को एसी में कौन परिवर्तित करता है? तो एसी से डीसी कैसे बनेगा, डीसी से एसी कैसे बनेगा, यानी मोबाइल जो हमारा चार्ज होता है वो डायरेक्ट करंट है, ठीक है। तो एसी से डीसी में परिवर्तित करने के लिए एक होता है दिष्टकारी, चार्जर में लगा रहता है दिष्टकारी, जिसे रेक्टिफायर कहते हैं इंग्लिश में। वो क्या करता है, एसी सोर्स को डीसी सोर्स में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, करंट की फिक्स वैल्यू को बनाए रखता है। अब डीसी को एसी में कैसे परिवर्तित किया जाएगा? तो हमारे घर में इन्वर्टर वगैरह लगा होता है, बैटरा लगा रहता है, बैटरा है डीसी, और हमको क्या लाना है, घर में लाइट ले जानी है, जो घर में लाइट होती है वो एसी होती है। तो उसके लिए हम करते हैं यूज इन्वर्टर का, किसका यूज करते हैं, इन्वर्टर, ठीक है, उत्क्रमक का यूज करते हैं। इन्वर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्क्रमक। ये क्या करता है, डीसी को एसी में परिवर्तित कर देता है। अब हम पढ़ेंगे धातुओं का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, धातुओं का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि एक ये नाभिक है, परमाणु ले रहे हैं, ये परमाणु का केंद्र है, ये परमाणु है,
और ये इसके केंद्र पर एक धनावेशित भाग नाभिक है, और ये इस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं हैं, और इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते, चक्कर लगाते। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अगली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर अगली कक्षा में 18 वगैरह होते हैं तुम्हारे। तो जैसे जैसे यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन निगेटिव आवेश रखता है और प्रोटॉन ये नाभिक धारणा आवेश रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसके पास प्लस, इसके पास माइनस, और दूरी क्या है, बहुत ही कम है। दूरी कम है तो बल भी ज्यादा लगेगा। यहाँ पर कूलम्ब बल लग सकता है, विद्युत बल, क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस, दोनों आवेश है, तो आकर्षण बल ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, हमको पता है दूरी बढ़ने पर बल का मान कम होता जाता है। तो इस वाले इन दोनों के बीच में ज्यादा बल लग रहा है, और फिर इसकी इससे तुलना कराएंगे तो कम बल लगेगा, और बाहर वाले के पास और भी कम। यानी बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, धातुओं का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका नाभिक पर बहुत ही कम प्रभाव रहता है। यानी वो नाभिक के साथ बंधा तो रहता है, बल के साथ जुड़ा तो रहता है, लेकिन उतना नहीं जितना पास वाले इलेक्ट्रॉन के साथ ये नाभिक जुड़ा है। तो इस वाले नाभिक का इसके पास जो है, मतलब इस पर जो बल लगा रहा है वो कम है, छीण बल है। तो ये क्या करेगा, अगर इसे बाहर से थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाएगी तो हर एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो माइनस होती है, तो वो माइनस की ऊर्जा धीरे धीरे क्या हो रही, घट रही है, धीरे धीरे क्या हो रही उसकी ऊर्जा घट रही, यहाँ पर जा रहे हैं। तो एनर्जी देंगे बाहर से, हम बाहर से एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी जो माइनस थी उसको पॉजिटिव बनाएगा। यानी वो एनर्जी यहाँ पर, जैसे इसके पास एनर्जी ज्यादा हो गई, वो यहाँ से चला जाएगा, स्थायी नहीं रह पाएगा, अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक उसकी एनर्जी माइनस की थी। जैसे हमने बाहर से एनर्जी दी, इसकी एनर्जी हो गई प्लस की, तो ये यहाँ पर नहीं ठहर सकता, ठीक है। यही तो बोहर ने बताया था जी, ठीक है। तो ये बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा तो एक धातु है, उस धातु में ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर जाकर के घूमेगा, इधर उधर चक्कर लगाएगा। अब क्योंकि हमको पता है लोहे की एक धातु लेंगे तो उसमें असंख्य परमाणु होंगे, तो इस बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन भी असंख्य हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसी धातु में चक्कर लगाते रहते हैं। ये एनर्जी सामान्य तापमान पर भी हो सकती है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तीन तरीकों से, या तो हम सूर्य का प्रकाश डालेंगे, या तो उसे गर्म करेंगे धातु को, और या फिर हम बैटरी लगाएंगे, तीनों में से कोई एक काम करेंगे। तो ये हल्की सी भी ऊष्मा पाएगा, तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊष्मा लेकर के बाहर निकल जाएगा, गतिज ऊर्जा में वो ऊर्जा व्यक्त हो जाएगी, चली जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन हो गया मुक्त, और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसे को हम क्या कहते हैं, यानी किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक पर उनका जो है बल बहुत कम लगता है, वहां पर बल बहुत क्षीण होता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल जाते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहो, ठीक है, गैस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी भी ऊर्जा पा करके परमाणु से बाहर निकल जाता है, ठीक है, और ये क्या करता है, पूरी धातु में घूमते रहते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसका इस फोटो हम जो है, इस मतलब जो थ्योरी है उसे यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन हो गए मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चक्कर लगाएंगे। अब क्योंकि हमको पता है ये लोहे की अगर धातु है तो इसमें एक तो परमाणु होंगे नहीं, कई सारे छोटे छोटे अणु होंगे, छोटे छोटे कण होंगे, वही छोटे छोटे कण परमाणु कहलाते हैं, कितने असंख्य होंगे छोटे छोटे कण, तो असंख्य आएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या आएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसीलिए लगभग कंपेयरिंग कराएंगे कि किसी धातु के एकांक आयतन में लगभग लगभग 10^29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लगभग लगभग 29 से 30, ठीक है। तो यहीं तक था कि धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पूरे धातु में इधर उधर अनियमित गति करते हैं,
जिस प्रकार बर्तन में पड़े गैस के कण इधर उधर गति करते रहते हैं, हवा देखें, हवा में जो धुआं है, धुआं जब उड़ता है तो देखो कण बहुत दूर दूर तक गति करते रहते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं, वैसे ये इलेक्ट्रॉन भी होगा, एक धातु है, उस धातु में ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन किसके पास होते, केवल धातुओं के पास, इसीलिए धातुएं प्रायः क्या होती हैं, चालक होती हैं, क्या होती हैं, चालक, विद्युत की चालक या सुचालक, क्योंकि इनके पास होते हैं बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ही क्या कहा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धातुओं के, धातु जो होते हैं कोई भी एक धातु ले लो, धातु के परमाणु ले लो, ठीक है, तो उसमें बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये इधर उधर गति करते रहते हैं, कोई फिक्स नहीं है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनकी गति कोई फिक्स नहीं है, सब इधर उधर गति करते रहते हैं, इधर उधर गति करेंगे तो टकराएंगे भी जी, एक दूसरे से टकराएंगे ना जी, अब एक दूसरे से टकराएंगे तो फिर टकरा करके क्या हो जाएंगे, वे को खत्म कर देंगे, यानी इधर से टकरा रहे हैं, इधर से टकरा रहे हैं, उधर से टकरा रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे से क्या करके करते हैं, टकराते हैं। मान लिया इस समय इनके वेग क्या है, पहले वाले इलेक्ट्रॉन का U1, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो क्या है U2, तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन का U3, ऐसे .. n वाले इलेक्ट्रॉन का है UN। मान लिया n इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n है, और पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग है 1 U1, दूसरे का U2, तीसरे का U3 .. अब यदि इसका औसत निकाला जाएगा तो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस प्लस का UN, कितने लोगों को जोड़ा गया है, N लोगों को जोड़ा गया है, कितने लोगों को जोड़ा गया है, ये nवे इलेक्ट्रॉन का वेग है, तो N लोगों को, जितने लोगों को जोड़ा गया उतने से ही क्या कराएंगे, भाग। तो यहाँ पर निकलता है क्या, इसका औसत, औसत यानी ऊपर बार लगाए, अब ये औसत वेग क्या हो जाता है, पूरा का पूरा जीरो हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे से लगातार टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं, तो इसीलिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग भी कह सकते हैं। ऊष्मीय वेग क्यों कहा गया, क्योंकि ऊष्मा के कारण ही बाहर निकलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है, जीरो होता है, डेरिवेशन में यूज होगा, ठीक है। तो किसी परमाणु में ऊर्जा पाकर के मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करते रहते हैं, जिनका औसत मान होता है जीरो, और ये जो औसत वेग निकल के आता है, यानी इनके वेग का जो औसत निकल के आता है, उसी को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग, ठीक है। तो यहां पर अब हमको ये भी पता है कि ये तो इधर उधर गति कर रहे हैं, टकरा भी रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, इधर उधर गति करता रहता है, ये इधर उधर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, इधर उधर गति कर रहा होता है। मान लिया हमने इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, और फिर इससे टकराने के बाद जो दूरी होती है औसत निकल के आती है, उसे कहते हैं माध्य दूरी। किसी एक इलेक्ट्रॉन का दो इलेक्ट्रॉनों से टकराने में जो द्वयतर दूरी होती है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद कितनी दूर जा करके इस वाले इलेक्ट्रॉन पर टकराएगा, वो है दूरी लैम्डा, ये होती है इसकी औसत दूरी या औसत माध्य दूरी, ठीक है। तो किसी इलेक्ट्रॉन का दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों से टकराने में जो दूरी तय करनी पड़ती है, वो होती है इसकी माध्य दूरी। क्या होती है, टक्कर की माध्य दूरी, और इस दूरी तय करने में जो समय लगता है, इस लैम्डा दूरी तो को तय करने में जो समय लगता है, उसे कहते हैं श्रांति काल या विश्रांति काल।
किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों से टकराने में जो समय लगता है, किसी इलेक्ट्रॉन का किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों से टकराने में जो समय लगता है उसी को कहा जाता है श्रांति काल या विश्रांति काल। ठीक है ना, तो इसकी परिभाषा भी हम लिखे दे रहे हैं। तो देख लेते हैं परिभाषा इसकी क्या होगी। तो यहां पर हमने चित्र बना दिया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक या टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति। ये एक धातु है और ये जो छोटे छोटे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, बिंदु दिखाई दे रहे हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति है। ऐसे ऐसे गति करते रहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति ऐसे। ठीक है ना, तो सबसे पहला है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग। हमने बताया भी था कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग क्या होते हैं। जितने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित गति करते हैं, जैसे ही परमाणु से निकलते हैं बाहर तो अनियमित गति करते रहते हैं, उन गति करते रहते हैं तो उनके पास कुछ वेग होगा, उसका जब औसत निकालेंगे तो वही होता है औसत ऊष्मीय गति। अगर जो ये गति करते रहते हैं तो एक दूसरे से साथ क्या होंगे, टकराएंगे। टकराएंगे तो एक दूसरे के वेग को क्या कर देते हैं, खत्म, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। ठीक है ना, तो यहाँ पर घटेंगे। तो धातुओं की धातुओं में गति करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग के औसत मान को, ये सभी वेग गति कर रहे होते हैं और ये सभी इलेक्ट्रॉन वी वेग से, मान लिया कुछ अपने वेग से गति कर रहे होते हैं और ये एक दूसरे से टकराएंगे तब उसका औसत मान निकालेंगे तो वही क्या कहलाता, औसत ऊष्मीय वेग। और यू बार या यू एवरेज से लिखा जाता है। मान लिया पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग है, पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग यू वन, दूसरे का यू टू, तीसरे का यू थ्री, जब प्रारंभिक वेग की बात हो रही। ऐसे ही एन इलेक्ट्रॉन होंगे तो यू एन, जितने लोगों से जोड़ा गया उतने लोगों से भाग कराना पड़ेगा तो इसका औसत मान निकल के आएगा जीरो, क्योंकि एक सदिश राशि होती है, वेग दिशा पर निर्भर करती, टकरा करके जीरो हो जाएंगे। इस स्थिति में कोई धारा नहीं मिलती, क्योंकि जब वेग ही नहीं है तो कोई धारा नहीं मिलेगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं रहे एक दिशा में। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है, लेकिन औसत चाल कभी भी शून्य नहीं होती है। इसकी चाल जो होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो चाल होती है 10^15 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये सामान्य ताप पर की बात हो रही है। ठीक है ना, आरएमएस वैल्यू निकाली गई है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू ही यहाँ पर लेकर के चलेंगे। यहाँ पर वी वगैरह वैल्यू नहीं आएंगी, आरएमएस वैल्यू ही आएंगी, क्योंकि लगातार हर एक इलेक्ट्रॉन के वेग अलग अलग हैं तो वैल्यू चेंज हो रही, तो आरएमएस वैल्यू लेकर के चलेंगे। ठीक है, हमारे घर पर जो वोल्टेज आता है वो भी आरएमएस है, वी आरएमएस है, जो करंट आती है वो आई आरएमएस है। ठीक है, तो माध्य मुक्त पथ क्या होता है, तो माध्य मुक्त पथ हमने बताया था कोई एक इलेक्ट्रॉन है उसका जो है किसी उदासीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टकरा नहीं पाएंगे बहुत निम्न स्थिति में, क्योंकि ऋणावेशित प्रतिकर्षण बल लगेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु से बाहर निकले हैं उससे टकराएंगे, उससे टकराते रहते हैं इधर उधर से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की धनायनों के साथ क्रमागत टक्करों में इलेक्ट्रॉन द्वारा या इलेक्ट्रॉन द्वारा तय दूरी मुक्त पथ तथा इनके मुक्त पथों का औसत माध्य मुक्त पथ कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये किसी एक धातु से धनावेशित धातु है, यानी किसी कोई धनावेश से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो धनावेशित हो जाएगी धातु। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है तो धनावेशित हो जाएगी। ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लेंगे ये एक धनावेशित वस्तु है, तो ये धनावेशित पदार्थ है, यह धनावेशित पदार्थ या धातु, तो इससे और इसके बाद तुरंत इसके तीसरे वाले से, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये पहली है, ये दूसरी है, पहली और दूसरी के मध्य जो बीच टकराने में दूरी तय की जाती है वो होती है पथ, मुक्त पथ, क्योंकि यहां तक कोई टकरा नहीं रहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं टकरा रहा है, किसी से नहीं टकरा रहा है, इसका मतलब ये इस समय मुक्त पथ में है। ठीक है, ये मुक्त पथ होता है, ठीक है, जब टकराता नहीं। अब इसी का जब हम औसत निकालेंगे, क्योंकि सबका अलग अलग आएगा, तो इसी का औसत निकालेंगे तो माध्य मुक्त पथ लैम्डा बार बराबर हर एक इलेक्ट्रॉन का, पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, डॉट 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 एनवे के लिए भाग कराएंगे, ये मान लगभग 10^-15 मीटर की कोणी का होता है। ठीक है ना, तो अब आगे क्या करेंगे, श्रांति काल क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका। तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाले औसत समय को, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ टकराया, फिर इसके साथ टकराया, फिर इसके साथ टकराया, फिर इसके साथ टकराया,
तो इनके टकराने में एक टकराव दूसरे, इस टी वन समय लगा, टी टू समय लगा, टी थ्री समय लगा, टी फोर समय लगा, इसका जब औसत निकालेंगे 10^-14 सेकंड आएगा लगभग। यही होता है श्रांति काल या विश्रांति काल। तो किसी इलेक्ट्रॉन का अन्य इलेक्ट्रॉनों के साथ टकराने में जो भी औसत समय लगता है, क्योंकि ये पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय बहुत ज्यादा आ रहे हैं ना, तो अन्य इलेक्ट्रॉनों से टकराने में जो समय लगेंगे उनका औसत निकालेंगे। औसत मान इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वैल्यू लगातार बदल रही, बदल रही, बदल रही। तो समय कोई जरूरी नहीं, इसमें ज्यादा समय लगा हो, इसमें कम समय लगा हो टकराने में, तो औसत लेकर के चलते। तो इनका जब औसत निकालेंगे तो वो कहलाता है श्रांति काल या विश्रांति काल। इसका मान लगभग 10^-14 सेकंड होता है। बस इतना ही था।